हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काजल प्रसाद ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज का मौसम आप देखिए, आज का मौसम कितना अच्छा, कितना सुहाना है। कि गर्मी इतनी ज्यादा की हुई थी ना कि बारिश होना बहुत ही जरूरी था। तो लगता है शायद भगवान जी को हम लोग पर तरस आ गया। तो भगवान जी ने आज मौसम बहुत ही अच्छा कर लिया, बहुत ही ठंड ठंड हवाएं चल रही है, मतलब मजा आ गया है। इस मौसम में कहीं भी आप बाहर जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि ऐसे मौसम में ही कहीं निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से हवाएं जो चल रही, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत ही अच्छा मौसम कर दिया है आज। लग रहा है कि हाँ, मौसम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल रही है। तो ये देखिए हवा कितना जोर का चल रहा है। आइए, मेरे पेड़ का आम पूरा हिलने रहा है और नीचे यहाँ गुड्डी और अर्नब सब खेल रहे हैं। तो मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा कर दिया है। इस मौसम में आप कहीं जा भी सकते हैं घूमने के लिए। तो मैं जा रही हूँ पकौड़े बनाने इस मौसम में। तो ये देखिए, अब मैं आ चुकी हूँ पकौड़े बनाने के लिए, क्योंकि बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। तो ये मैंने, मेरे पकौड़े बन के रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। फिर मैंने प्याज वगैरह सब का, प्याज सब कुछ अच्छे से काट लिया था, उसका मैंने पकौड़े बनाने के लिए रखा था। ये है आलू, ये है पोई का पत्ता, जितने भी बिहारी लोग होते होंगे या फिर और कोई भी पोई के पत्ते के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो कुछ पकौड़े मेरे तले जा चुके हैं, कुछ पकौड़े तलने के लिए मैंने इधर वेटर को रखा है, क्योंकि बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, तो ठंडे पकौड़े खाने का मन किसी का भी नहीं कर रहा है। तो जैसे लोगों को खाने का मन कर रहा है, मैं पकौड़े तल के दिए जा रही हूँ। कुछ पकौड़े मैंने तल के तलिए थे लोगों को खाने के लिए, और कुछ और तलूँगी। तो ये सारे बैटर है, आप देख सकते हैं। तो जिन जिन लोगों को पकौड़े खाने हैं, आइए आके खा लीजिए। तो ये पकौड़े मेरे तले जा रहे हैं और ये मैं बना रही हूँ पोई के पकौड़े। बहुत ही टेस्टी पकौड़े होते हैं, ये पकौड़े खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन्हें आप चाय के साथ क्या खाइए, खाने का मतलब मज़ा ही आ जाता है। और वैसे भी मीठे और नमकीन का एक अलग ही कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मेरे पकौड़े हैं जो मैंने और पकौड़े तल लिए हैं, क्योंकि लोग अब खाने के लिए बैठ चुके हैं। और जाहिर सी बात है, गर्म गर्म चाय के साथ गर्म गर्म पकौड़े अच्छे लगते हैं, ठंडे पकौड़े जब खाने जाएंगे। तो इधर मैं पकौड़े भी तले जा रही हूँ, इधर मैंने फिर से प्याज के पकौड़े रखी हूँ तलने के लिए। तो मैं मिलती हूँ उसे पकौड़े खाने के बाद, क्योंकि पकौड़े खाने के बाद मुझे मार्केट निकलना है और कुछ काम है मार्केट में। तो मैं मार्केट से क्या लेने वाली हूँ, तो मैं मार्केट पहुँचने के बाद मैं जो भी कुछ मिलूंगी उसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फटाफट इधर मैं पकौड़े खाती हूँ, ख़त्म करती हूँ और चलती हूँ मार्केट। और मार्केट पहुँचने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं मार्केट आ चुकी हूँ और मार्केट आने की वीडियो में आप लोगों को दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये मैं मार्केट में आई हूँ। इधर मुझे शंखा पोला मिला देखने को, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसका वीडियो दिखाया जाए। तो ये देखिए, ये शंखा पोला। तो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताएगा कि ये जो शंखा पोला है आप लोगों को कैसा लगा। तो ये जो रेड है, रेड पर जो ऊपर से जो गोल्डन है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये मुझे बहुत ही पसंद आया था स्पेशली। और इसका जो व्हाइट वाला होता है, इसको भी ये देखिए गोल्डन कलर से काम है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये एक दूसरा डिज़ाइन था, जो कि दूसरा डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मुझे सारे पसंद आए थे, मुझे मन करता था कि मैं सारे ले लूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में जाके एक देखिए, सॉरी एक ये देखिए, एक ये भी था जो कि बहुत ही अच्छा था। तो इस टाइप के बहुत सारे थे, बहुत अच्छे से डिज़ाइन के थे। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सबसे अच्छा कौन सा लगा। तो मैं यहाँ से फटाफट शॉपिंग ख़त्म करती हूँ और मैं चलती हूँ बाहर। अब बाहर जाके मैं कुछ खाती हूँ, क्योंकि मुझे भूख बहुत जोर की लगी है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ डोसा खाने आई हूँ और यहाँ गरम गरम डोसा बन रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना खाया जाए, और मुझे भूख भी जोर की लग चुकी थी। और इतना अच्छा मौसम है ना कि इस मौसम में गरम गरम डोसा खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ मेरा डोसा बनने के लिए रेडी बनने जा रहा है। तो जैसे डोसा बनता है तो मैं उसकी एक प्लेट दिखाती हूँ आपको फिलहाल। तो ये देखिए डोसा कैसे बनता है, ये देखिए।
फटाफट निकलते हैं घर, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ घर जाकर, और क्या खाना बनेगा उसका भी वीडियो दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अब हम लोग घर पे आ चुके हैं, और इसे देख के शायद आप लोगों को कुछ अंदाज़ा लग चुका होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो घर पे आने के बाद पता चला है कि आज लोगों को खाने का मन है इडली सांभर और चटनी, तो इसकी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। वैसे इडली की जो रेसिपी थी मैंने पहले ही आपको अपने वीडियो में दिया है, तो उसका कुछ मैं रेसिपी आप लोग को नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं क्या खाना बनानी हूँ रात का बस उसका वीडियो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसकी पूरी रेसिपी बताऊँगी, वैसे भी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये देखिए, इधर मैं दाल फ्राई कर रही हूँ सांभर के लिए, क्योंकि फटाफट बनाना है और रात भी थोड़ी हो चुकी है, क्योंकि मार्केट में आने से थोड़ा थोड़ा लेट हो चुका था। तो मैं फटाफट बनाती हूँ इडली और इसका मैं आप लोग को वीडियो दिखाती हूँ। तो अब हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, ये है हमारे प्लेट में इडली सांभर और चटनी। तो मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, आइए आके आप लोग भी खा लीजिए। और इडली मुझे बहुत ही पसंद आता है, तो इसे देखने के बाद ही मुझे भूख लग गई है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और सभी लोग घर में खाना खा रहे हैं क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई है, और इसे बनाने में थोड़ा वक्त भी लग गया। तो आज का ब्लॉग मेरा आप लोग को कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट में यही बताएगा कि जो मैंने आज आप लोग को शंखा पोला दिखाया था, उसमें से सबसे अच्छा शंखा पोला आप लोग को कौन सा लगा। तो अब मैं मिलूंगी आपसे कल एक नए दिन, एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।